अच्छा खलील साहब, ये कास्टिंग वाला जो हम आगे भी डिस्कस कर रहे थे, आपकी मर्जी के बगैर आपके ड्रामों की कास्टिंग नहीं हो सकती। इमान अली मेरे शो पे आई थी अभी रिसेंटली, वो कोई बात निकली थी पंजाब जी, पंजाब नहीं जाऊंगा मैं, कुछ कास्टिंग का था, वो थी, उन्होंने कहा मैंने छोड़ दी। मैंने कहा आपको खलील साहब ने निकाला, उन्होंने कहा नहीं, मतलब बैठे खलील साहब, याद है आपको ऐसा कुछ हुआ? पता क्या मैं कहता हूँ, मोहब्बतें ना भी रहे तो भरम रहने देते हैं। इट इज सिंपली इम्पॉसिबल। देखो मैं कोई ये तूरमे खान नहीं बनना चाहता, मैं अभी भी आपको जिक्र कर रहा था, अगर आप तस्वर कर सकते हैं ना ये ख्वाब में भी कि आप मेरी फिल्म कर लेंगी विदाउट माई कॉन्सेंट, तो दैट इज अ फुलिश ड्रीम। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, शी इज माशाल्लाह वेरी प्रिटी गर्ल, लेकिन मेरे वो किसी काम के हवाले से कभी मेरे लिए जरूरत नहीं थी वो। अच्छा, तो वो होती तो शायद मैं, बट शी सेड शी वाज साइंड ऑन, और वो नदीम बेग साहब ने उनको कहीं कर लिया, मुझे खबर मिली लाहौर में, तो मेरी बेटी ने आके मुझे बताया, एंड शी वाज सो अपसेट, हाउ कुड इट हैपन। मैंने कहा नहीं नहीं, हमें सोशल मीडिया झूठी खबर होगी, देखा पूछे। तो मैंने हुमायूं से फ़ोन किया, हुमायूं को फ़ोन किया, हुमायूं ने कहा खलील साहब वो नदीम ने उसके साथ को बात बात की है। एंड आई नेक्स्ट फ्लाइट केम कराची। अच्छा, और फिर मुझे नदीम को साथ हुआ, वो बुला के पूछे उससे जरा, देखिए वो शी वाज नेवर फॉर पंजाब नहीं जाऊंगी। सो यू आर सेइंग के यू टुक दैट कॉल एंड देन इमान वाज रिमूव्ड फ्रॉम पंजाब नहीं जाऊंगी। बस कर दें यार हसन, ये बता देना वो, क्योंकि इमान मेरे शो पे कह के गई है, तो अब ऑन माई डेथ बेड हो सकती थी वो पंजाब नहीं जाऊंगी की हीरोइन। अच्छा, तो ठीक है, मतलब आप बाद में बातें कर रहे, फिल्म हिट हो जाए जो मर्जी कहे कोई, उसे रिसेंटली यू सेड यू डोंट वांट टू वर्क विद मैविश आल्सो। उन्हें वो मजाक में कहा। अच्छा, मजाक था वो, शुक्र है यार। मैविश इज वेरी डियर एक्ट्रेस। हाँ, वो बड़ा, उस पर भी एक बात हुई, वो मैंने हुमायूं के बारे में एक दिन कह दिया, उसका भी रात को फोन आ गया, ये क्या बोला तुमने। मैंने कहा तू इतनी बातें बोल लेता है। मैंने कभी कहा तू कुछ है? ठीक है, सो ऑल इज वेल बिटवीन यू एंड मैविश ऑफ कोर्स। हां, आई रिस्पेक्ट हर, शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस। ठीक है, शी हैज डन माय थिंग्स सो वंडरफुली वेल कि मैं उसको भूल ही नहीं सकता कभी। ठीक है, और मंटो में भी सज्जल इज लॉक्ड, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खलील साहब, हमारा जो अगला सेगमेंट है इसका नाम है डेंजर टेक। एसेंशियली इट्स अ रैपिड फायर क्वेश्चन एंड आंसर सेगमेंट, एंड नोइंग यू आप तो रैपिडली जवाब देंगे ही, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और बस आपने उनके रैपिडली जवाब देने। I'll try. किसी इंसान की पहचान करनी हो तो उसे कैसे आजमाया जाए? उसको 3 पैग लगाओ। मैं गारंटी करता हूँ। ठीक है, कोई हलाल तरीका नहीं है? हलाल तरीका नहीं है, वो बहुत लंबा है, वो सियानों ने कहा कि उसके साथ सफर करें या कारोबार करें, दैट इज द सिंपलेस्ट वे। ठीक है।